सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आपको दोस्तों मालूम है, हम करा रहे हैं आपका एचसीएफ एंड एलसीएम और उसकी सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए लेक्चर नंबर आपका 12 होने वाला है। इससे पहले लेक्चर नंबर आपके 11 तक हो चुके हैं, ठीक है। तो यानी 11 तक हमने क्वेश्चन कितने करा दिए, 40, और आज 40 और 41वां क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट कंसेप्ट के ये क्वेश्चन है, आप इन्हें अंत तक देखते रहिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये चैनल का मेरा नाम है बेसिक टू टॉप स्टडी, इसे यूट्यूब में जाकर के आप सर्च कर सकते हो और वहां से जाकर प्ले लिस्ट में चले जाना, प्ले लिस्ट में आप सभी पार्ट्स देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो करते स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार के पास कितने रुपए है, 180 रुपए में उसने कुछ पेन खरीदे हैं। एक दुकानदार ने 180 रुपए में कुछ पेन खरीदे हैं, ठीक है, तथा उसने 105 रुपए में कुछ पेन क्रय मूल्य पर ही बेच दिए हैं। यानी जितने रुपए में उसने खरीदे थे, जैसे मान लीजिए 1 रुपए में एक पेन खरीदा था तो 1 रुपए में एक पेन ही उसने बेच दिया है। ऐसा उसने किया है, किस पे बेच दिए, क्रय मूल्य पर ही बेच दिए हैं, ठीक है, क्या कर दिए, बेच दिए हैं। यदि वह कम से कम संख्या में पेन खरीदता, अब कम से कम संख्या में पेन कब खरीदोगे, जैसे कि रेट हमने हाई से हाई कर दिए तभी तो कम से कम पेन आएंगे। जैसे में 100 रुपए हैं आप हमारे पास और हमें मान लीजिए 20 रुपए का एक पेन मिल रहा है, ठीक है, तो और हमें तो हमें कम मिलेंगे पेन, और अगर वही हमने 5 रुपए में आपको एक पेन दे दिया तो आप ज्यादा पेन ले जाओगे, तो हमें हाई से हाई प्राइस उसका करना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, उसके पास बचे पेनों की संख्या क्या होगी, तो उसके पास कितने पेन बचे, ठीक है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। तो देखिए उसने बाई कितने में किए हैं, अगर उसकी बाई की बात की जाए तो बाई उसने किए हैं 180 रुपए में, 180 रुपए में, और उसने सेल कितने में कर दिए हैं, यानी बेच कितने में दिए हैं, तो 105 रुपए में, ठीक है। अब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही हाइएस्ट प्राइस होगा, ठीक है, क्या होगा, हाइएस्ट प्राइस होगा इन दोनों का एचसीएफ, क्या एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों का एचसीएफ देखते हैं कितना आएगा, 180 और ये 105, ठीक है, इससे पहले मैं 5 से काटता हूँ तो 5 3 15 और कितना बच गया, 3 5 36 और 5 2 10, 5 1 5, फिर इसे 3 से काट लेता हूँ, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये किसका कितना एचसीएफ हो जाएगा इसका, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 15, ठीक है, कितना 15, और यही हाईएस्ट प्राइस होगा पेन खरीदने का, कितना हाईएस्ट प्राइस यही होगा पेन खरीदने का। अब देखिए तो इसने बाई कितने में, 180 रुपए में किए थे, तो कितने पेन किए होंगे, बाई कितने पेन किए होंगे, तो बाई देखिए पेन कितने किए होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेन का इसमें भाग लगा देना पड़ेगा 80 रुपए में, 180 में, तो 15 का हमने भाग लगाया तो कितने होंगे, 15 1 15, ठीक है, और आपके 3 बच गए, 3 के बाद हो गए 30 और 15 2 30, तो 12 पेन उसने क्या किए, पेन है ये पेन उसने खरीदे, ठीक है, 12 पेन उसने क्या किए, खरीदे, और यहां पर सेल उसने कितने कर दिए, पेन सेल पेन, ठीक है, तो सेल पेन कितने कर दिए उसने, तो देखते हैं यहाँ पे 105 बट्टे में किससे, 15 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 7 105, यानी 7 पेन उसने सेल कर दिए, 7 पेन क्या कर दिए उसने, बेच दिए। अब 7 पेन बेच दिए और 12 खरीदे थे तो उसके पास बच कितने गए, तो इनका जो अंतर होगा वही बचे होंगे, तो बचे पेन कितने हो गए, बचे पेन इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 - 7 इज इक्वल टू 5 पेन बच गए इनके पास। यही हमसे पूछ रहा था कि अब उसके पास कितने पेन बचे हैं, 180 रुपए में उसने खरीदे थे, ठीक है, और 105 रुपए में उसने बेच दिए, सब पेन नहीं बेच दिए, कुछ पेन बेच दिए, ठीक है। अब इनका जो एचसीएफ होगा वही हाईएस्ट प्राइस हुआ आपका, ठीक है, तो हाईएस्ट प्राइस कितना हो गया, इनका एचसीएफ निकाला हमने कितना, 15 हाईएस्ट प्राइस हो गया, तो एक का हम दे देते हैं भाग पूरे रुपए में, तो कितने पेन खरीदे हमने, 12 पेन खरीदे, और यहाँ पर कितने पेन बेच दिए, 7 पेन बेच दिए, तो अब हमारे पास कितने पेन बचे, तो इन दोनों का जो अंतर है वही हमारा पेन बचे हुए हैं, तो कितना है, 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को
कर लीजिए। चलिए अब इसका ही दूसरा आपका टैप बताता हूँ, आसान सा टैप, आप उसे अच्छी तरीके से कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे करना है। जैसे मैं कर देता हूँ रफ, और इसका दूसरा कंसेप्ट बताते हैं आपको, आसानी से उससे भी कर सकते हो। देखिए कैसे करना होगा, तो आप उसमें इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें सीधा सा आप एस सी एम निकालो दोनों का, और जब एस सी एम निकालोगे तो वही आपका कैसे आंसर हो जाएगा। तो देखिए बताते, तो कौन कौन संख्या है मेरे पास, 180 और एक है मेरे पास 105, इनका एस सी एम निकालना है। तो पहले 5 से काटा, ठीक है, 5 से काटा तो कितना जाएगा, 5 दिए 15, 5 छके 30, ठीक है, और 10 5 से काटूंगा, 5 दू 10, 5 एक 5, फिर हम इसे 3 से काट देते हैं, 3 एक 3, 3 दू 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है, क्या 3 सत्ते 21। अब देखिए, अब बाई पेन कितने हैं, ये देखो बाई के पेन है जो हमने बाई किए हैं, ये क्या है बाई किए हुए पेन, और ये हमारे क्या है, ये मेरे हैं सेल किए हुए पेन जो हमने बेच दिए हैं, ठीक है, सेल किए हुए पेन, और इनके जो बीच का अंतर होगा वो कितना रह गया, 12 - 7 = 5, तो ये मेरे हैं बचे पेन, ठीक है, बचे पेन। इस तरीके से आप इस शॉर्ट मेथड से भी आप इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हो आसानी से, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, और दूसरे क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, देखिए इसी प्रकार से निकलेगा, आसानी से निकाल लीजिए क्या कह रहा है। देखिए तो एक सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए आपका दिया हुआ है, एक दुकानदार इतने रुपए में 6625 रुपए में कुछ पेन खरीदता है, ठीक है, तथा 3875 रुपए में कुछ पेन क्रय मूल्य पर ही क्या कर देता है, वह बेच देता है। यदि वह कम से कम संख्या में पेन खरीदेगा, अब कम से कम कब खरीदेगा, जब हाईएस्ट प्राइस होगा, और हाईएस्ट प्राइस होता है तो कम से कम खरीदना होता है, ठीक है, संख्या में खरीदता है, उसके पास बचे हुए पेनों की संख्या ये पूछ रहा है, ठीक है, क्या निकालना है, एस सी एम निकालना है दोनों पर, तो 6625 और कोमा में 3875, ठीक है, तो ऐसे में एस सी एम इसका निकाल लेता हूँ, पहले से मैं 5 से काट लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा, इसके लास्ट में 5 अंक है, तो इसलिए 5 से मैं काट देता हूँ, 5 एक 5 बच गया, 1 हो गया कितना 16, 5 दिए 15, फिर 1 बच गया 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया 25, ठीक है, इधर भी 5 सत्ते 35 बच गया, 3 हो गया 37, 5 सत्ते 35 अब कितना बच गया 2 और 25, ठीक, फिर इसे काटते हैं, 5 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 बच गया, 3 हो गया 32, 5 छके 30, 2 बच गया 25, ठीक, अगर 5 एक 5 2 बचा हो गया 27, 25 और फिर 2 बच जाएगा तो 25, ठीक है, फिर इसे 5 से काटते हैं तो कितने बार कट जाएगा, देखिए 25 और 5 * 15, ठीक है, 25 5 * 15 और इधर करेंगे तो कितना आएगा, 5 * 15 5 * 5, ठीक है, अब इनमें काट के देखो तो आपका नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा, क्योंकि ये अवैध संख्या आ गई आपकी, ये अवैध संख्या है 31 31, ठीक है, ये तो कट जाएगी, ठीक है, तो ये आपका 53 वाला है तो ये 70 51 होता, नहीं कटेगा, ये सभी दोनों अवैध संख्या है, ठीक है, तो अब ये क्या है, ये बाई किए हुए है, क्या बाई किए है, और ये हमने क्या किए है, ये सेल किए हुए पेन है, और इन दोनों के जो बीच का अंतर होगा वो मेरे बचे हुए पेन होंगे, 53 - 33 इक्वल टू कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचा, यानी 22 पेन बचे, ठीक है, कितने बचे, 22 पेन बचे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो में रहने देते इतना ही, अब आपका वीडियो आज खत्म हुआ ये वाला, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर नंबर 13 के साथ, तो इस वीडियो में रहने इतना ही, तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना सभी सोशल मीडिया साइट्स पे, ठीक है, चलिए चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा, थैंक यू।